दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो का टैगलाइन से आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है। क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है शतावरी चून के फायदे का। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं किया है अभी तक, तो जाइए और जरूर जरूर वॉच कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा फायदे का वीडियो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो शतावरी चून के फायदे का। मैं इनके बाद एक क्वेश्चन बताऊंगी और उसका रिप्लाई करूंगी उन सब के लिए जिसका मैं रिप्लाई कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो कोई मैडम सिंह ने पूछा है, खाने के कितने आवर्स बाद इसको ले सकते हैं? दोस्तों, एक घंटा बाद खाने के, सुबह के खाने या रात के खाने के एक घंटा बाद आप इसको ले सकते हैं। वही मैडम सिंह ने फिर से पूछा है, मैडम अगर इसको इसका टेस्ट पीने में अच्छा नहीं लगता तो इसको पीने के बाद क्या हम कुछ खा सकते हैं? ज़रूर खा सकते हैं। अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो थोड़ा सा चीनी डाल के या नमक डाल के आप खा सकते हैं, और उसके खाने के बाद भी थोड़ा चीनी या कुछ भी थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको खाने के बाद ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, मैडम सिंह ने ही पूछा है, इसको सिर्फ वार्म वाटर के साथ पी सकती हूँ क्या? देखिए, वार्म वाटर के साथ भी पी सकते हैं और वार्म मिल्क के साथ भी, मिल्क के साथ भी पी सकते हैं। कोई मैडम जोशी ने पूछा है, मैडम क्या इसको खाने से वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि मेरा वेट ज्यादा है और हमको वेट गेन नहीं करना है, सिर्फ लेट पीरियड आता है उसको ठीक करना है। लेट पीरियड आता है तो इसको खाने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस करता है। और फिगर का बात हो तो ये ब्रेस्ट पे ज्यादा काम करता है, फिगर से ज्यादा ब्रेस्ट पे काम करता है, ब्रेस्ट को इंक्रीज करने में। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बॉडी में थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, ये तो करना ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस त्रिपाठी का, ब्रेस्ट इंक्रीज होता है इससे? जरूर होता है, ब्रेस्ट इंक्रीज करना इसका काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम बैनर्जी का, इसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? देखिए, इसका साइड इफेक्ट उतना नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है और बहुत ही सेफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम चौधरी का, ये सिर्फ फिगर के लिए है ना, मुझे वेट नहीं बढ़ाना है, बस फिगर ठीक करना है। ये आपके फिगर को एक परफेक्ट साइज देता है, ब्रेस्ट को इंक्रीज करता है, फिगर को एक ठीक साइज देता है, हार्मोनल बैलेंस करता है, इसी के लिए ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। चलिए नेक्स्ट है मैडम चौधरी, मैम कितने मंथ को लेना है? मैं बहुत पतली हूँ, अगर आप पतले हैं तो ये जरूर आपके लिए है। और कितने मंथ लेना है, तो मिनिमम 6 मंथ तो आप लीजिए ही, उसके बाद आपका फिगर का कंडीशन जैसा हो उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कंटिन्यू करेंगे या नहीं। और मैडम सुलानकी ने पूछा है, मेरी एज 16 इयर्स है, क्या मैं इसको यूज कर सकती हूँ? जरूर कर सकते हैं, अगर आपके एज 16 इयर्स है तो ये सही समय है दोस्तों यूज करने का इसको। नेक्स्ट है विजया मैडम, मैं 16 इयर्स की हूँ, मेरे वेट 39 केजी है, क्या मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ? अगर 39 केजी आपका वेट है, 16 इयर्स के है, लेकिन वेट तो लंबाई पे भी डिपेंड करता है ना, तो वेट के हिसाब से नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके फिगर सही नहीं है, आप पतले हैं, तो आप ज़रूर इसको लीजिए वेट गेन करना है तो। और उसके बाद है मैडम सिंह का, मैम क्या इससे पीरियड में ले सकते हैं, बताइए? हाँ, इसको पीरियड में हम ले सकते हैं, लेकिन सब लोगों के हमारे बॉडी टाइप डिफरेंस होता है, पीरियड्स के टाइप के बहुत डिफरेंट होता है, कब किसके पीरियड में क्या इफेक्ट हो, अगर आपको कोई बीमारी है, पीरियड से कोई दबा चल रहा है अंदर से, आपको पता भी नहीं है पीरियड्स कुछ ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो सेफ है कि आप पीरियड्स में इसको ना लें, यही बेहतर है, 5 या 6 दिन आप बंद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम मित्र का, ये कब लेना है, लेना चाहिए फॉर प्रेगनेंसी? अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका कहीं और भी दवा चल रहा है, तो इसको आप डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या आप दवा ले रहे हैं उसके साथ ये कंफर्टेबल है कि नहीं है, ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं।
तो चलिए, कोई मैडम रॉय ने बोला है थैंक्स जी, उसके बाद मैडम चैटर्जी ने बोला है। मैम वेट ज़्यादा तो नहीं होगा ना इसको लेने से? देखिए ज़्यादा वेट नहीं होता है, ब्रेस्ट में इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट बढ़ रहा है तो ज़रूर आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि वो तो आपको रेगुलर रूटीन में इंक्लूड करना ही करना होता है परफेक्ट फिगर के लिए। तो चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन का आंसर तो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।